गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग देखेंगे स्टर्नम बोन में, हम लोग स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़े अपर लिम लोअर लिम में कितना बोन होता है। आज हम लोग देखेंगे थोरेसिक केज में, थोरेसिक केज में कितना है रिब्स और स्टर्नम का। चूँकि इस एरिया का जो पोर्शन होता है, ये इस पार्ट का जो पोर्शन है वो उसमें कन्फ्यूजियस क्वेश्चन बहुत रहता है। आप देखिएगा नीट में क्वेश्चन पूछा होता है फॉल्स रिफ क्या है, ट्रू रिफ्स क्या है, फ्लोटिंग रिफ्स क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन इसमें दो तीन आता है, जिससे कि आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि किस पार्ट में क्या है वो और किस पार्ट्स में क्वेश्चन का क्या बेसिस रहेगा। इसलिए इसको जानना ज़रूरी होता है कि हम लोग को अगर पूछा जाएगा, जिससे क्वेश्चन आपको हम बताए थे कि अगर अपर हैंड में पूछा जाएगा तो 30 बोन है, राइट में, लेफ्ट में भी 30, उसी तरह से फीट में आएंगे हम लोग उसमें भी लेफ्ट राइट में 30-30 बोन है। चूँकि जो कन्फ्यूजियस क्वेश्चन आता है वो आपको वर्टिब्रा से आएगा और दूसरा आपको थोरेसिक पार्ट में आता है, ये वाला जो पार्ट है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो बोन है वो हमारे, चूँकि आप जानते होंगे जो इस पार्ट में बोन है इसको हम लोग स्टर्नम बोन बोलते हैं, इससे जुड़े हुए भाग को हम लोग रिब्स बोलते हैं। चूँकि आगे बताएंगे आपको बहुत सारा ऐसा रिब्स का पार्ट है जो डायरेक्ट उससे स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग फॉल्स रिब के रूप में लेते हैं ताकि वो स्टर्नम के भाग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आज हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो रिब्स है वो रिब्स किस तरह से स्टर्नम से जुड़ा रहता है, किस रिब्स का क्या नाम है और उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन कौन सा है जो फ्लोटिंग रिब्स है, कौन कौन सा है जो डायरेक्ट अटैच है, कौन कौन सा है जो ट्रू रिब्स है, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चूँकि हम लोग अब स्केलेटल सिस्टम में बोन को पढ़ लिए, अपर लिम में कितना है, स्कल में कितना है, लोअर लिम में कितना है, इवन कि उसका डिटेल हम बताएंगे कि ह्यूमरस कितना है, अल्ना कितना है, आपका कार्पल मेटा कार्पल कितना है, ये सब का डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले थोरेसिक पार्ट से चलते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम से। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये जो पार्ट है इसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। तो स्टर्नम का तीन पार्ट देख रहे होंगे, ये पार्ट को मेनुबियम बोलते हैं, ये पार्ट को बॉडी बोला जाता है, इसको बोला जाता है जिफॉइड। तो तीन पार्ट आपका स्टर्नम बोन का है, पहला को हम लोग मेनुबियम बोलते हैं, दूसरा को बॉडी और तीसरा को जिफॉइड। ये तीन स्ट्रक्चर है जो आपका स्टर्नम का है। अब उससे पहला जो आप देख रहे हैं, दिस बोन इज क्लेविकल बोन, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लेविकल बोन है। तो आपका ये जो पार्ट है क्लेविकल बोन है जो कि एस शेप्ड होता है, आप क्लेविकल बोन को देखिएगा तो एस शेप्ड होता है क्लेविकल बोन, जो पार्ट ऑफ पेक्टोरल गड्डी है। हम लोग लेते हैं पेक्टोरल गड्डी, बोल रहे थे आपको कि पेक्टोरल गड्डी का ही पार्ट इसको मानते हैं हम लोग, तो पेल्विक गर्डर और पेक्टोरल गर्डर है। तो आपको ये क्लेविकल बोन है जो एस शेप्ड होता है, दिस इज द क्लेविकल बोन, ये क्लेविकल बोन है। उसके नीचे आइएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ, 1 2 3 4 5 6 बोन तक, 6 और 1 ये 7, 7 को हम लोग जो बोन देखते हैं जिसको कि ट्रू रिब्स बोलते हैं 1 to 7, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि ट्रू रिब्स हम लोग किसको बोलते हैं। यही क्वेश्चन आपका रहेगा, रहता है नीट में, जहाँ से कन्फ्यूजियस क्वेश्चन आता है कि ट्रू रिब्स कितना से कितना तक के देखेंगे। तो देखिए डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है हमारे स्टर्नम से 1 2 3 4 5 6 7, 7 से जो डायरेक्ट जुटा हुआ है, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 इसको हम लोग इसको वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स बोलते हैं। चूँकि वर्टिब्रा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, वर्टिब्रो स्टर्नम पीछे ही जुड़ा हुआ रहेगा वर्टिब्रा से भी ऐसे इस टाइप का, तो इसको हम लोग वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स बोलते हैं 1 to 7। 7 के बाद में जोड़िए 8 9 10 11 12, तो देखिएगा 8 9 10, इसको जो है इसको फॉल्स रिब हम लोग लेते हैं, फॉल्स रिब 8 9 10, और दो रिब्स को देखते हैं 11 12 जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं, केवल वो फ्लोटिंग रिब्स है जो कि 11 12 है। इसलिए आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा ट्रू रिब्स 1 to 7,
ये फॉल्स रिप्स हो गया 8, 9, 10, उसके बाद में आपका फ्लोटिंग रिप्स कौन हो गया 11, 12। यही आपका नीट का क्वेश्चन, मुख्य क्वेश्चन आपको तीन बेसिस तीन ही जगह से पूछा जाएगा, ट्रू रिप्स, उसके बाद में फॉल्स रिप्स जो 8, 9, 10 है, उसके बाद फ्लोटिंग रिप्स जो 11, 12 है। यही आपका मुख्य क्वेश्चन रहता है नीट में कि आपको डायरेक्ट अटैच को कौन सा रिप्स रहता है। तो डायरेक्ट अटैच जो स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच रिप्स है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन तक, इसलिए इसको ट्रू मानते हैं। ट्रू का दूसरा जो क्वेश्चन आपको नीट में अगर एडवांस क्वेश्चन पूछा तो बोलेगा कि इन विच रिप्स इज डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मतलब कौन सा रिप्स है जो कि आपको मेडिबुनम से मेडिबुरियम से जुड़ा हुआ रहेगा। तो आप देखिए क्लेविकल जो बोन है वो है, क्योंकि हम लोग क्लेविकल बोन ये बोन को तो रिप्स के अंदर में नहीं लेते हैं ना, रिप्स के अंदर में केवल ये इसको लेते हैं हम लोग। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन अगर एडवांस क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि इन विच बोन इज डायरेक्टली अटैच टू द मेडिबुरम, तो मेनिबुरियम, तो मेनिबुरियम से अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा तो वो कौन सा है, तो आपका मेनिबुरियम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ क्लेविकल बोन। और अगर आपसे पूछा कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बॉडी से कौन कौन जुड़ा रहेगा, तो बॉडी से आप देखिए 1, 2, 7 ट्रू जो रिप्स है वो डायरेक्ट बॉडी से जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच रिप्स इज डायरेक्टली अटैच टू द बॉडी, तो आप बोलिएगा सर वो तो हम लोग को बताए नहीं थे। तो आप देख लीजिए बॉडी है ना, ये दिस इज द बॉडी, तो 1, 2, 7 डायरेक्टली अटैच टू द बॉडी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग को याद रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इन विच ट्रू रिप्स, ऐसा नीट में क्वेश्चन इतना इजी से नहीं पूछा जाता है। पूछा आपको क्या जाएगा, आप हम लोग तो याद किए हैं कि सर ट्रू रिप्स 1, 2, 7 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि रिप्स इज डायरेक्टली अटैच टू द बॉडी, इन विच रिप्स इज डायरेक्टली अटैच टू बॉडी, और 1, 2, 7, 9, 8, 10 ये 11, 12 इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। तो आपको इस याद रखना है कि जो बॉडी से वह ट्रू जो रिप्स है डायरेक्ट बॉडी से अटैच है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्टली अटैच विथ द बॉडी, तो डायरेक्टली अटैच विथ द बॉडी कौन सा है, वो ट्रू रिप्स से डायरेक्टली अटैच देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो हम जो लास्ट पार्ट है जिसे 1, 2, 3 आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 जिसको कि हम लोग फॉल्स रिप लिखते हैं, ये भी पूछ सकता है कि आपसे कौन सा इस हमारे रिप्स का पार्ट है जो कि आपको जिफॉइड से जुड़ा ही नहीं रहेगा। तो आपका देख रहे हैं कि कोई भी इसके साथ में जिफॉइड के साथ में जो जिफॉइड प्रोस आपका जिफॉइड जो यहाँ पे है पार्ट ऑफ द स्टर्नम बोन, ये पूरा स्टर्नम बोन हो गया, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये स्टर्नम बोन है, इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं भूलिएगा कि सर ये क्या है, ये स्टर्नम बोन है, हालांकि इसे यहाँ लिख दिए स्टर्नम, ये स्टर्नम पूरा है, यहाँ लिखा हुआ है स्टर्नम। तो ये पार्ट आपका हो गया जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉल्स रिप कौन सा है, तो 11, 12 फॉल्स रिप नहीं, फ्लोटिंग रिप्स कौन सा है 11, 12 ये फॉल्स रिप्स कौन सा है 8, 9, 10 उसके बाद में पूछेगा ट्रू रिप्स कौन सा है, तो 1, 2, 7 जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4। अब इस पार्ट में आ जाइए, ये क्लेविकल जो क्लेविकल का फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका क्लेविकल फर्स्ट रिप्स ये देख रहे हैं, क्लेविकल के साथ में जुड़ा हुआ है फर्स्ट रिप्स, इसको हम लोग बोलते हैं मेनुबेरियम, इस पार्ट को इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं जिफॉइड, ये स्टर्नम बोन का पार्ट हुआ, इसलिए मैंने लिख दिया स्टर्नम, दिस इज द स्टर्नम, स्टर्नम सिंगल बोन होता है। उसके साथ में टोटल रिप्स एंड स्टर्नम का लिखे तो 12, 12 + 1 टोटल कितना हुआ 24, 25, चूँकि ये भी क्लेविकल का साथ में हम लोग ले लेते हैं, ऐसे तो 12 आप 12 इस एक साइड 12 एक साइड टोटल 24 हो गया, आई एक क्लेविकल बोन हो गया टोटल 25। तो अगर रिप्स एंड स्टर्नम को मिला दीजिएगा तो टोटल यहाँ जो थोरेसिक केज में है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोरेसिक केज में आपका कितने बोन है, तो आपको 25 लगाना होगा, लेकिन केवल आपका रिप्स केवल छोड़ देगा तब आपको 24 लगाना होगा, इसलिए कन्फ्यूजियस क्वेश्चन यहाँ पर रह सकता है। कि ये बात को याद रखना है कि अगर आपसे केवल रिप्स का क्वेश्चन पूछता है तब तो आपको 24 लगाना होगा, लेकिन अगर पूरा आपको पूछ देता है तो क्लेविकल बोन को भी एसोसिएट करना पड़ेगा, यानी कि आपको 25 ही मारना पड़ेगा,
रिब्स एंड एस्टर्नम बोन इज, ऐसे अगर रहेगा आपका फॉलोइंग इज द रिब्स एंड एस्टर्नम बोन 25, 22, 20, सबसे ऑप्शन पहले देगा 24, सब तो लगाए हो सीधे 24 लगाएगा, लेकिन अगर सबसे लास्ट में हो सकता है 25 दे या बीच में, तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि अगर आपसे रिब्स एंड एस्टर्नम ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 25 ही लगाना होगा, लेकिन अगर केवल पूछा रिब्स तो ऐसे तो क्वेश्चन रहेगा नहीं, या तो देगा आपका फॉल्स रिब्स 8, 9, 10, फ्लोटिंग रिब्स 11, 12, ट्रू रिब्स 1, 2, 7, ऐसा रहेगा, या आपको दूसरा दे सकता है कि वर्टिब्रो अस्टर नेम द वर्टिब्रो अस्टर एस्टर्नम रिब्स, तो आपको ट्रू रिब्स का ही नाम है, या पूछ सकता है आपको वर्टिब्रो कोरोइडल रिब्स, कोरोइड रिब्स क्या है, वर्टिब्रो कोरोइल रिब्स किसको बोल सकते हैं, तो उसको हम फॉल्स रिब्स को बोल सकते हैं, फ्लोटिंग रिब्स का कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं है, नेम नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें लिख नहीं, तो ये आपका रिब्स ऑफ एस्टर्नम का बोन का पूरा इंट्रोडक्टिव पार्ट हम आपको बता दिए, धन्यवाद।